मध्य प्रदेश में तेज हुई किसान आंदोलन की आंच के बीच सीएम शिवराज सिंह शांति बहाली के लिए उपवास पर बैठे। बोले, जिन परिवारों ने प्रदर्शन में खोए बेटे, समझता हूं उनकी पीड़ा। सीएम शिवराज के उपवास के लिए दशहरा मैदान में बनाया गया है वाटर प्रूफ पंडाल। अनिश्चितकालीन उपवास के दौरान यहीं पर किसानों से करेंगे बात। सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ कद्दावर नेता बाबूलाल गौर और मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन समेत तमाम मंत्री और नेता उपवास पर बैठे। सीएम बोले, फिलहाल यहीं से चलेगी सरकार। मध्य प्रदेश में किसान आंदोलन का आज नौवां दिन। किसानों ने आज जेल भरो आंदोलन का किया ऐलान। प्रशासन सतर्क, आरएफ की कुल 13 कंपनियां तैनात। पड़ोसी राज्यों को किया गया अलर्ट। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह का बयान, राज्य में किसान आंदोलन के दौरान हिंसा के लिए कांग्रेस को ठहराया जिम्मेदार। इससे स्पष्ट है कि कांग्रेस ने जगह जगह हिंसा भड़काने की कोशिश की और इसके लिए पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है। राजगढ़ में किसानों ने किया प्रदर्शन, नरसिंहगढ़ हाईवे किया जाम। भोपाल में कांग्रेस जोर लगाने के साथ प्रदर्शन कर रही है। शिवराज सिंह के उपवास को बताया नाटक। भोपाल में प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं को लिया हिरासत में। मध्य प्रदेश में किसानों ने कर्ज माफी के लिए फिर उठाई आवाज। सरकार पर आंदोलन को जबरन दबाने का लगाया आरोप। किसानों की मांगों का तो यही है कि किसानों को अगर समर्थन मूल्य वगैरह सब। मंदसौर में प्रदर्शनकारी किसानों ने कहा, भोपाल में उपवास नहीं, सीएम मंदसौर आकर करें बात। मंदसौर में फिलहाल हालात सामान्य, सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक कर्फ्यू में ढील। सीहोर में सड़क पर उतरा किसानों का हुजूम, सुरक्षा के तमाम एहतियात के बावजूद ट्रक में लगाई आग। सीहोर में आग जली की घटना से फूली सुरक्षा कर्मियों की सांसें। भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले। भोपाल के करीब इंदौर हाईवे पर भी किसानों का जोरदार हंगामा, भीड़ ने ट्रक को किया आग के हवाले। भोपाल के पास टोल नाके पर किसानों का विरोध प्रदर्शन, घंटों तक रोका ट्रैफिक, पुलिस से झड़प। महाराष्ट्र में भी किसानों का प्रदर्शन जारी, नागपुर में कांग्रेस और एनसीपी कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। आंदोलन खत्म करने के लिए देवेंद्र फडणवीस सरकार की नई पहल, किसानों से बातचीत के लिए मंत्रियों की कमेटी गठित की। किसानों की कर्ज माफी योजना को लेकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की बैठक, इसे लागू करने से जुड़े कई निर्देश जारी किए। भारतीय मजदूर संघ का ऐलान, 9 अगस्त तक किसानों का कर्ज माफ नहीं किया गया तो देश भर में होगा चक्का जाम। दिल्ली में राष्ट्रीय महासंघ की बैठक, 62 किसान संगठन में शामिल, कर्ज माफी और फसल का पूरा दाम मुद्दा। अनंतनाग के काजीगुड में सुरक्षा बल पर आतंकी हमला, आतंकियों की गोलीबारी में एक कार सवार घायल। आतंकी हमले में घायल शख्स को श्रीनगर के अस्पताल में कराया गया भर्ती, सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी की। कश्मीर में आईसिस के नापाक गेम का खुलासा, इस्लाम की लैबोरेटरी बनाने की रचा साजिश, सुरक्षा एजेंसियों की संदिग्धों पर पैनी नजर। अनवर डॉन दाऊद इब्राहिम की साजिश का खुलासा, दिल्ली में धार्मिक गुरुओं पर हमले के नापाक प्लान का खुलासा। दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में आए जुनैद ने खोली दाऊद की पोल, पूछताछ में बताया कई और लोग दिल्ली में साजिश का हिस्सा। कश्मीर में जारी हिंसा और अस्थिरता पर बोले थल सेनाध्यक्ष जनरल बिपिन रावत, कुछ लोग सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को भड़का रहे। जनरल बिपिन रावत ने कहा, जम्मू कश्मीर में अमन और शांति बहाली की कोशिशों में जुटी है सेना। देहरादून पहुंचे जनरल रावत ने आईएमए परेड की ली सलामी। चीन की घुसपैठ और सीमा विवाद पर बोले जनरल बिपिन रावत, भ्रम की स्थिति दूर करने के लिए वार्ता पर हो जोर। योग गुरु बाबा रामदेव ने मोदी सरकार को दी नसीहत, बोले अब वक्त आ गया है पीओके पर कब्जा करे भारत। योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा, आतंकी हाफिज सईद, मसूद अजहर और दाऊद इब्राहिम का भारत करे खात्मा, पाकिस्तान को सिखाए सबक। रायपुर में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधने के दौरान राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को बताया चतुर बनिया, बापू की कांग्रेस को भंग करने वाली टिप्पणी कोट की। बहुत चतुर बनिया था वो, उसको मालूम था आगे क्या होने वाला है। उसने आजादी के बाद तुरंत कहा था कांग्रेस को बिखेर देना चाहिए, महात्मा गांधी ने नहीं कहा, मगर अब कुछ लोग उसको बिखेरने का काम समाप्त कर रहे हैं। आप में नहीं थम रही अंदरूनी कलह, राजस्थान इकाई के साथ कुमार विश्वास की बैठक वाली जगह पर अमानतुल्ला के समर्थकों ने चिपकाए पोस्टर। कुमार विश्वास के बैठक स्थल पर पहुंचते ही फाड़े गए आप विधायक अमानतुल्ला के समर्थन में लगाए गए पोस्टर। स्कूलों में बांग्ला भाषा अनिवार्य करने को लेकर भड़की हिंसा के बाद फिलहाल दार्जिलिंग में शांति, ममता सरकार ने वहां की एसपी को हटाया, बुलाई आपात बैठक।
योगी राज में नहीं थम रहा यूपी में बवाल। मेरठ में धार्मिक स्थल पर तोड़फोड़ को लेकर भड़की सांप्रदायिक हिंसा। दो गुटों की झड़प में हिंदू युवा वाहिनी के 3 कार्यकर्ता हुए घायल। सहारनपुर हिंसा में गृह मंत्रालय को भेजी गई रिपोर्ट के हवाले से खुलासा। हिंसा में भीम आर्मी की थी अहम भूमिका। भीम आर्मी के बैंक खातों की होगी जांच। आज तक के हाथ लगी रिपोर्ट के मुताबिक हिंसा पर काबू पाने में प्रशासन पूरी तरह विफल। तालमेल की थी कमी। योगी सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने मेरठ में जिला अस्पताल का किया निरीक्षण। अव्यवस्था और गंदगी देखकर भड़के। ये क्यों होना चाहिए? ये मतलब जस्ट नॉनसेंस है। ये चीज दिख जाए ना तो मैं हॉस्पिटल में तो मर जाऊं, ऐसे आदमी गिर जाए तो बीमारियां से। बिजनौर के निजी अस्पताल में डिलीवरी के बाद महिला और नवजात की मौत। परिजनों ने शव सड़क पर रखकर किया प्रदर्शन। यूपी के लखीमपुर खीरी में ट्रक की टक्कर के बाद डीजल टैंकर में लगी आग। ड्राइवर क्लीनर ने कूद कर बचाई जान। मुंबई में ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर विक्रोली के पास ट्रक कार और डंपर में टक्कर। 3 जख्मी, 2 की हालत बेहद गंभीर। कटरा के होटल में गुजरात के प्रेमी जोड़े ने की खुदकुशी। मौके से मिले दोनों के पहचान पत्र। ओडिशा के जगत सिंहपुर में भीषण सड़क हादसे में एक मासूम समेत 8 लोगों की मौत। बेकाबू ट्रक ने 2 ऑटो को मारी टक्कर। बद्रीनाथ में निजी हेलीकॉप्टर क्रैश। इंजीनियर की मौत, पायलट समेत बाकी सभी यात्री सुरक्षित। उड़ान भरते ही हुआ हेलीकॉप्टर हादसा। हेलीकॉप्टर में सवार थे कुल 8 लोग। कानपुर में कूड़े के गोदाम में लगी भीषण आग। मुश्किल से पाया जा सका काबू। सुल्तानपुर में बेकाबू जीप नहर में पलटी। गोताखोर कर रहे हैं यात्रियों की तलाश। दिल्ली के सुल्तानपुर इलाके में रिश्ता हुआ तार तार। गैंगरेप की 2 वारदात में 6 भाइयों पर लगा बहनों से गैंगरेप का आरोप। पहली वारदात में 2 भाइयों ने, दूसरी वारदात में 4 भाइयों ने किया बलात्कार। 2 गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के सिवनी में चेकिंग से डरकर भागे बाइक सवार 2 युवक। डंपर की चपेट में आने से 1 की मौत। भीड़ ने पुलिस वालों को पीटा। एक बार फिर गुड़गांव में शर्मनाक वारदात। एमएमएस बनाकर मां बेटी से 25 दिनों तक गैंगरेप, आरोपी गिरफ्तार। मेरठ में 2 गुटों में बवाल। स्कॉर्पियो में भी तोड़फोड़। हमले में हिंदू युवा वाहिनी के 3 कार्यकर्ता जख्मी। मुजफ्फरनगर में शॉर्ट सर्किट की वजह से टायर फैक्ट्री में भीषण आग। लाखों रुपए का सामान खाक। इलाहाबाद में चेन स्नैचर के लोगों ने जमकर की धुनाई। उसी दौरान पिटाई कर रही एक महिला भी ले उड़ी, आरोपी का चेन। मुंबई में ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर विक्रोली के पास ट्रक कार और डंपर में टक्कर। 3 जख्मी, 2 की हालत गंभीर। थाने में ऑटो रिक्शा से जा रही लड़की को छेड़खानी के बाद दिया धक्का। अज्ञात ऑटो रिक्शा चालक और युवक के खिलाफ मामला दर्ज। कटरा के होटल में गुजरात के प्रेमी जोड़े ने की खुदकुशी। मौके से मिले दोनों के पहचान पत्र। पटना के राजीव नगर में किराए में मकान में चल रहे सेक्स रैकेट का पर्दाफाश। 3 गिरफ्तार, 6 लड़कियां हिरासत में। मेरठ में इंटरनेशनल कॉलिंग रैकेट चलाने वाले 2 शातिर गिरफ्तार। वारदात में इस्तेमाल कई सामान बरामद। बुलंदशहर में किसानों ने जमीन अधिग्रहण के खिलाफ किया प्रदर्शन। धोखा देकर जमीन लेने का लगाया आरोप। लुधियाना में फाइनेंसर के दफ्तर में घुसकर हत्या। हमले में उसकी पत्नी जख्मी। भागने के दौरान जख्मी होकर पकड़ा गया एक आरोपी। कोलकाता के तिलजला में पुरानी इमारत ढही। मलबे में दबकर 60 साल की बुजुर्ग महिला की मौत। बुलंदशहर में 9वीं की छात्रा से गैंगरेप। गांव के 2 आरोपी युवकों की तलाश में जुटी पुलिस। गुजरात के कच्छ में बच्चा चोरी के आरोपी की जमकर पिटाई। आरोपियों में 2 नाबालिग शामिल। करनाल में तंत्र मंत्र से बच्चों का इलाज करने के नाम पर 10 लाख की ठगी। पुलिस ने 3 युवकों को किया गिरफ्तार। यूपी के शाहजहांपुर में बच्चा चोरी के आरोप में महिला गिरफ्तार। 2 महीने का 1 बच्चा भी बरामद। मेरठ में 2 शातिर बदमाश गिरफ्तार। आरोपियों से 1.25 लाख रुपए, मोबाइल, तमंचे, कई बैटरियां बरामद। उदयपुर में तेज रफ्तार स्कॉडा कार से 5 को रौंदा। 50 फीट तक घसीटने की वजह से 1 महिला की मौत। आरोपी ड्राइवर गिरफ्तार। उत्तराखंड के रुद्रपुर में मोबाइल टावर पर चढ़ी महिला। जमीन विवाद को लेकर प्रशासन से थी नाराज। मध्य प्रदेश के हरदा में एक शख्स ने पहले अपनी पत्नी और 2 बच्चों को मार डाला, फिर ट्रेन से कटकर की खुदकुशी। मैनपुरी में 2 जून को हुई युवक की हत्या में खुलासा। 5 लाख के बंटवारे के विवाद में 2 दोस्तों ने ली थी जान, दोनों गिरफ्तार। बिहार के बेतिया में थाने को उड़ाने की धमकी देने वाला आरोपी गिरफ्तार। एसपी को मैसेज भेजकर दी थी धमकी। झारखंड के रामगढ़ में उम्र कैद की सजा होती कैदी ने की खुदकुशी। गमछे से गले में फंदा लगाकर दी जान। वाराणसी में 12 साल की बच्ची से हैवानियत। बच्ची की हालत गंभीर, आरोपी पड़ोसी फरार। एमपी के छतरपुर में जेल के बाहर फायरिंग से हड़कंप। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। आगरा के चंदौली हिंसा में 7 लोग हिरासत में। तनाव को देखते हुए इलाके में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात। सीतापुर में व्यापारी और परिवार की हत्या के मामले में परिजनों से मिले कांग्रेस नेता। 3 दिन बीत जाने के बाद भी आरोपियों का सुराग नहीं। हैदराबाद पुलिस ने 2 गांजा तस्करों को किया गिरफ्तार। आरोपियों से 42 किलो गांजा बरामद।
ग्वालियर में पुलिस की वर्दी पहनकर तस्करी करने वाला शख्स गिरफ्तार, 1 किलो से ज्यादा गांजा बरामद। गुवाहाटी में पुलिस को बड़ी कामयाबी, 6 लाख के फर्जी नोट बरामद। मामूली बात पर दिल्ली में एक हवलदार ने की खुदकुशी, पत्नी ने बाहर डिनर से मना किया तो खुद को मारी गोली। बीएसएनएल की हालत सुधारने के लिए दिल्ली में अहम बैठक, दूरसंचार राज्य मंत्री मनोज सिन्हा ने दिए जल्द हालात सुधारने के निर्देश। यूपी के रामपुर में शिक्षा विभाग की अनदेखी, सरकारी स्कूल में चल रहा है मुर्गी फार्म। मुंबई के लिए राहत भरी खबर, बीती रात भी होती रही झमाझम बारिश। मुंबई के गोरेगांव में सलमान खान ने किया टॉयलेट का उद्घाटन, बीएमसी ने चलाई है योजना, सलमान की एनजीओ कर रही है आर्थिक मदद। दंगल फेम फातिमा सना शेख के बचाव में उतरी रेसलर बबीता फोगाट का, किसी भी लड़की को डरने की जरूरत नहीं। मुंबई में सैफ अली खान को रोकनी पड़ी शूटिंग, बीएमसी ग्राउंड पर वैंटी खड़ी करने के लिए नहीं ली थी मंजूरी, जुर्माना भी भरा। बाहुबली फेम प्रभास की क्लीन शेव वाली तस्वीर हुई वायरल, साहो फिल्म के लिए नया लुक बताकर हो रहा है प्रचार। शाहरुख और अनुष्का की अपकमिंग फिल्म जब हैरी मेट सेजल की पोस्टर रिलीज, फिल्म का निर्देशन कर रहे हैं इम्तियाज अली।